हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन के फंक्शंस को, जबकि ये फंक्शंस जो हैं बिल्कुल बेसिक फंक्शंस हैं। इनके बारे में आपको मेरे को नॉर्मली मालूम होता है, लेकिन इसके अलावा एक मैक्रो फंक्शंस है जो हम कल स्टडी करेंगे। बट उन फंक्शंस को करने से पहले हमें इन फंक्शंस को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फंक्शंस के भी आगे मैंने टू टाइप से डिवाइड कर दिया है। तो इधर हम बेसिक फंक्शंस कर रहे हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम मैक्रो फंक्शंस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछती हूँ कि फंक्शन एक जो कम्युनिकेशन है उसके क्या फंक्शंस है, तो आप बोलोगे कि अपने आइडियाज को शेयर करना एक दूसरे के साथ, या आपके माइंड में कोई सजेशन है, या हम किसी अपना कोई सुख दुख किसी के साथ बांटना चाहते हैं, या हम एक सोशल सोसाइटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। बट अब हम उनको कुछ पॉइंट्स के अंदर स्टडी करेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है फ्लो ऑफ नॉलेज। बच्चे, मुझे कितनी भी नॉलेज है या कोई भी जो हमारा हेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम जी को बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन वो उस नॉलेज को शेयर कर रहे थे, ठीक है, जब वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। तो उन्होंने जो काम किए हैं वो काम कैसे किए, खुद तो किया ही किया, साथ में उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी थी, या आप ये कह देते हो कि जब वो अपना जो भी उन्होंने वर्क किए हैं सारे के सारे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी नॉलेज, जो उनकी इंटरनल नॉलेज थी, उन्होंने दूसरों के साथ शेयर की। तो शेयर करी तो किस तरह से की, ओरल में की है, बुक्स लिखी है, रिटन के अंदर की है, तो वो किस की हेल्प से हुई है, कम्युनिकेशन की हेल्प से हुई है। आई बात समझ, कि फ्लो ऑफ नॉलेज भी अगर करना है, चाहे वो आपका ओरल है, रिटन है, गेस्चुरल है, किसी भी फॉर्म में है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की नीड है। सेकेंड वन, एसेंशियल फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड थिंग, अब लर्निंग, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो वो लर्निंग आप कैसे कर रहे हो, मैं आपको बोल के बता रही हूँ ना, ओरल कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, तो उसके थ्रू ही आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रेनिंग लेनी है, मान लीजिए किसी भी टाइप की ट्रेनिंग है, आपने एज ए डॉक्टर ट्रेनिंग लेनी है, एज ए लॉयर ट्रेनिंग लेनी है, या आप किसी MBA करके जो ट्रेनिंग लेते हो, तो उस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि ये काम कैसे करना है, तो वो जो कैसे करना है वो आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, तो वो चीज़ भी आप कम्युनिकेशन की हेल्प से करते हो। स्किल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे स्किल भी हमारी डेवलप होती है कम्युनिकेशन की हेल्प से। कैसे, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अब वो ट्रेनिंग आप उसको प्रैक्टिकली यूज करते हो, उसके बाद क्या है कि जैसे अब हमने अपने टीचर से कुछ सीखा, अब मैं आपको वो चीज एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो जितना ज्यादा मैं आपको समझा रही हूँ वो मेरी स्किल को भी डेवलप कर रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन लेवल पे हो, एकेडमिक लेवल पे हो, या कुछ अदर थिंग्स पे, ठीक है। नेक्स्ट वन है टेल गोल्स एंड टारगेट विच अचीव इफेक्टिवली। हर इंसान का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में हो और उस कंपनी ने कह दिया है कि आपका जो टर्नओवर है, मान लीजिए 10 करोड़ का होना चाहिए इस ईयर के अंदर, तो वो जो 10 करोड़ का टर्नओवर है वो सिर्फ कह देने से नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे नंबर ऑफ मीटिंग्स करनी पड़ेगी। तो जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर जो HOD है वो आपको अपने प्लान्स बताते हैं, उन प्लान्स पे वर्क किया जाता है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, तो वो सब जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, वो भी कम्युनिकेशन की हेल्प से होता है। इसी से जुड़ा हुआ है प्लानिंग। प्लानिंग, हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं, मान लीजिए माइंड में आ गया कि 10 करोड़ की ही टर्नओवर होना चाहिए, तो 10 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए हमें प्लान्स करने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका रिसर्च वाला है, रॉ मटेरियल कौन सा लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, आपको सेल्स कितनी चाहिए, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको कैसे लिया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, आपके सेल्स एक्टिविटीज़ कैसे हो, तो उस चीज़ के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की हेल्प चाहिए। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं ये, आप सिर्फ ये जो आपके पॉइंट्स हैं पॉइंट्स को रीड करोगे तो भी आपके माइंड में आ जाएगा।
तो इसलिए मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको रिवीजन करवा रही हूँ। प्लान्स बना लिए हम, आपने प्लान्स बनाने के बाद उस पे रिस्पॉन्स देना है, फीडबैक देना है। हायर डिपार्टमेंट ने अपने से लोअर डिपार्टमेंट को प्लानिंग के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स देने थे वो दे दिए हैं, लेकिन उन पे कैसे फीडबैक देना है तो वो भी तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा ना। कि आपको ये कह दिया कि 10 करोड़ की सेल करनी है, तो 10 करोड़ की सेल के लिए आप क्या काम कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्स देना है, आप कहाँ तक पहुंचे हो, वो सब के सब कम्युनिकेशन की हेल्प से है। फीडबैक सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ मैसेज। मैंने कल भी आपको बताया था कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर फीडबैक का होना मस्ट है। अगर फीडबैक है तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए फीडबैक का होना बहुत अर्जेंट है। तो जो फीडबैक है वो मैसेज की क्वालिटी को बताता है। अब फीडबैक देना है, मान लीजिए आपसे मैंने कोई बात की, आप मुझे उसका आंसर दे रहे हो, आप हेजिटेट हो, आपके अंदर पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो जो आप मे बी आप करेक्ट हो, लेकिन आपका जो आंसर है, आपका जो फीडबैक है, वो आपके कम्युनिकेशन लेवल पे दिखता है। ठीक है, कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, वो सिर्फ आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो मैसेज की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है, सॉरी उलट बोल दिया मैंने, कि कम्युनिकेशन की क्वालिटी जो है वो मैसेज को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब वही अभी बता रही हूँ आपको कि हेजिटेशन है, या आप फीडबैक दे रहे हो, फीडबैक में आपने जो मुझे आंसर दिए हैं वो अकॉर्डिंग टू मेरे प्लान्स नहीं थे, तो उसमें अब मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 10 करोड़ की सेल चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ की सेल तो आपने कर दी है, लेकिन सारी की सारी आपने किस पे कर दी, क्रेडिट पे कर दी, जबकि मुझे क्या चाहिए थी, कैश में चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया। ठीक है, मुझे ये बोलना था कि 10 करोड़ की कैश सेल चाहिए मुझे, क्रेडिट सेल तो हर कोई कर देगा। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग न्यू आइडियाज टेक्निक्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओजोन लेयर का हमारे एनवायरमेंट के लिए, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओजोन लेयर हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, जैसे वैसे। तो अब ये जो आइडियाज है, ये जो टेक्निक्स है, उसके बारे में अवेयर कैसे किया जाए। ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग्स हो रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि किस तरह से हम अपनी ओजोन लेयर को सेव करें। ठीक है, पेड़ लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा व्हीकल्स जो हैं उनको चेंज किया जा रहा है। तो ये सब किसकी हेल्प से हो सकता है, जब आपके अंदर अवेयरनेस है। 100 में से सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस चीज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होगी, 60% को अवेयरनेस ही नहीं है। तो उस अवेयरनेस को लाने के लिए भी कम्युनिकेशन की ही नीड है। तो ये चीज भी स्प्रेड हो सकती है अवेयरनेस, वो हमारा सराउंडिंग, ये हमारे आसपास क्या हो रहा है, टेररिज्म है, टेररिज्म को कैसे कम किया जाए, उसके बारे में भी अवेयरनेस एक कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हो सकती है। नेक्स्ट वन है इम्पेरेटिव वे फॉर शेपिंग ओपिनियन व्यूज वैल्यूज एंड बिलीव्स। हमारे बच्चे हैं, अब वो बच्चे क्या हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं आप, ब्लैंक है, उनको कुछ नहीं मालूम है, उनके अंदर क्या ओपिनियन डालना है, क्या उनके व्यूज हो, क्या नॉलेज हो, उनको क्या करवाना है लाइफ के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है जो उनसे रिलेटेड है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो वो भी हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये सही है ये गलत है, तो वो भी कम्युनिकेशन की हेल्प से हो सकता है। अगर हम साइलेंट हैं तो उन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये चीज सही है ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक शेप देना कि आप किस तरह से अपने व्यूज रख रहे हो, तो वो व्यूज जो हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, कि
मान लीजिए कि भगवान में हमारी आस्था है, बिलीफ है हमारा, तो वो चीज हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तो वो चीज भी हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रही है। नेक्स्ट वन, एनहांस डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। यस, डिसीजन लेना है उसके लिए, जो एबिलिटी के लिए भी आपके अंदर थिंकिंग पावर होनी चाहिए, फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो चीज भी आपकी कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो आपके स्किल को भी डेवलप कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग होप्स, डिजायर, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस। मेरी कोई डिजायर है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है, या मैं कुछ होप करती हूँ, वो भी मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है, हम कहते हैं कि आपको 95+ मार्क्स चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 95+ मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं? तो उसके लिए टीचर की मेहनत भी होती है और आप बच्चों की भी मेहनत होती है, तो वो मैं जो आपको साथ हार्ड वर्किंग कर रही हूँ वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू कर रही हूँ। जैसे अब आपको समझा रही हूँ तो मैं कौन सा कम्युनिकेशन कर रही हूँ? ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को कमेंट में, मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे उस कमेंट में मैसेज कर रहे हो, तो वो मैसेज क्या हो गया? रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो वो चीज भी क्या कर रही है? कम्युनिकेशन की हेल्प से हो रही है। मोटिवेशन यूज फॉर, जो कि हमारे पेरेंट्स करते ही करते हैं, अब मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि यस आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो वो चीज में मोटिवेशन भी किसके? चाहे मेरे मन में कुछ भी चल रहा है लेकिन मैं आपको कुछ भी बोलती नहीं हूँ तो आपको कैसे समझ आएगा? बट मैंने आपको कहा कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, आपके मेरी वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा, तो वो चीज मैं आपको क्या है, एक पॉजिटिविटी दे रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि आप इससे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, पॉजिटिव है मेरी वीडियोस, तो वो चीज आपको एक मोटिवेट करती है। प्रिजर्विंग कल्चर, हमारे सराउंडिंग में क्या है, जो हमारे जो एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं वो चीज हमें सीखने को मिली, हमसे आगे सीखने को मिल रही है, तो वो भी कल्चर है, तो उस कल्चर को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, फेस्टिवल्स है, दीपावली फेस्टिवल है, दीपावली पे जो भी हम काम करते हैं वो हम अपने एंसेस्टर से सीखे हैं और वो हमने आगे भी देना है, तो वो चीज़ भी कम्युनिकेशन के हेल्प से हम उन्हें समझाते हैं कि हाँ जी लक्ष्मी पूजन होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमारे दीपावली के फंक्शंस हैं, तो वो चीज़ें हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट वन है इम्प्रूव और डेटोरेट ए सिचुएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप कोई भी सिचुएशन को खराब भी कर सकते हो और संभाल भी सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि जो ही इज ए मैच्योर पर्सन, उसने बहुत पॉजिटिव तरीके से सारी सिचुएशन को संभाल लिया, तो वो किसके थ्रू हुआ? कम्युनिकेशन। बोल तो मैं भी रही हूँ, बोल कोई और भी रहा है और कोई थर्ड वन पर्सन भी बोल रहा है, बात हम सब करते हैं लेकिन कईयों की बात हमें बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। ठीक है, और कईयों की बात हमें समझ नहीं आती है। जैसे एक स्पीकर है महेश्वरी है, ठीक है, और एक कोई मुझे अब याद नहीं आ रहा है, त्रिवेदी सर है, ठीक है, तो वो सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उनका जो बोलने का स्टाइल है वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो समझ आती है उनकी बातें, और कुछ की बातें हमें बिल्कुल नहीं समझ आती है, हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो चीज क्या करिए, इम्प्रूव या डेटोरेट, ये एक सिचुएशन को कैसे संभालना है वो भी कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। कई पर्सन क्या होते हैं कि उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन है कन्वे मैसेज क्लियरली कंसाइजली और इफेक्टिवली, कि कम्युनिकेशन की हेल्प से ही आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उस मैसेज को आप कितना एफिशिएंटली एक्सप्रेस करते हो कि रिसीवर को वो मैसेज प्रॉपर समझ आए, तो वो भी कम्युनिकेशन की हेल्प से है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम कल जो है वो मैक्रो फंक्शंस करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि बिल्कुल इजी से हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी मेरे से नहीं बनानी है, बस शॉर्ट वीडियोस चलने दो
ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, समझ आया, कुछ प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।